सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर आयोजित रन फॉर यूनिटी मैराथन कार्यक्रम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मैराथन शामिल हो रहे युवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो मूर्ति, एकता की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसका 52 मीटर का तो आधार है और 182 मीटर उसके ऊपर मूर्ति है, देखते बनता है। जरूर आप लोगों से मैं कहूंगा, कभी भी गुजरात जाना हो जाए तो निश्चित रूप से वहां जाकर के आए। तो भाई बहनों, आज के इस अवसर पर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में नमन करता हूँ और आपसे भी निवेदन आग्रह करता हूँ। देखिए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने देश को एक करने के लिए, देश की एकता के लिए 562 रियासतों को देश के अंदर सम्मिलित किया, आज ऐसे लौह पुरुष का जन्मदिन और आज पूरे देश के अंदर उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं सभी देशवासियों को, विशेष तौर पर युवाओं को बधाई देता हूं। आज जिस प्रकार से रन फॉर यूनिटी का जो एक कार्यक्रम, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया, उसके लिए उन्होंने शपथ ली है कि मेरे लिए देश सर्वोपरि है, देश की एकता की अखंडता के लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मुख्यमंत्री जी ने आज अपने भाव व्यक्त करते प्रधानमंत्री मोदी जी की तुलना बिल्कुल सही की है। क्या कहें, उन्होंने जो काम करके दिखाया है, शायद जो काम 75 वर्ष पहले देश के अंदर हो जाना चाहिए था, वो था जम्मू कश्मीर के अंदर जो धारा 370 लगी थी उसकी समाप्ति, जो 75 वर्ष तक कार्य नहीं हुआ, हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो कार्य भी करके दिखा दिया जो उस समय पॉसिबल नहीं हो पाया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं कर पाए थे और सभी नेता नहीं कर पाए थे, वो काम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। ये मैं समझता हूँ कि लौह पुरुष से कम नहीं है।